हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में दो ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। अपने एमपीस को, अपने एमएलएस को, उनको मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने जिलों में पीएसए प्लांट लग जाए, इसकी हमको चिंता करनी है। और इसलिए जो भी उसके लिए व्यवस्था करनी हो, सीएमओ से मिल करके, कलेक्टर से मिल करके उसको पूरा करें और इस सेवा कार्य को करें। हमने हमेशा कहा है, आपदा आती है तो हम उसमें से अवसर तलाशते हैं। आपदा आई, ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन आज ऑक्सीजन के दृष्टि से अब हर ज़िले में के अस्पताल में पीएसए प्लांट लगे, ये हमने अवसर में बदलना है। और इसमें आप सब लोग पूरी ताकत से लगिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी को बहुत बहुत साधुवाद, हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में दो ऑक्सीजन प्लांट्स का उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ में अनुराग ठाकुर को भी आप देख रहे हैं, वो भी मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन की तस्वीरें हैं। दो ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। ये दोनों ही ऑक्सीजन प्लांट्स हिमाचल में होंगे। ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया है और कोरोना राहत सामग्री हिमाचल के लिए रवाना की है। और ये उन गाड़ियों को हरी झंडी दिखा रहे हैं जेपी नड्डा, साथ में अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास का ये कार्यक्रम किया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।